हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप। हमने मल्टीपल सिक्योरिटी और उसके टाइप्स के बारे में जाना था कि बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ये कुछ हमने 5 टाइप डिस्कस किए थे और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमने सिक्योरिटी टाइप डिस्कस किए थे उन सबको हम सिक्योर किन अटैक से कर रहे हैं। सो मैं अनिरुद्ध, इस कोर्स का इंस्ट्रक्टर एंड फाउंडर ऑफ टेक मास्टर एडू, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर एडू में। तो ये हमारी आज की वीडियो का मेजर टॉपिक है सैंपल अटैक, जिसके अंदर प्रीवियस वीडियो में हमने जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी डिस्कस की थी उन सिक्योरिटी को हम किन अटैक से बचा रहे होंगे उन सैंपल अटैक्स के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल अटैक्स का बेसिक ओवरव्यू दूंगा, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा क्योंकि इन फ्यूचर आने वाले मॉड्यूल्स में जो भी हमारे अटैक्स हैं वो सभी कंप्लीटली डिटेल्स में रहेंगे। सबसे पहला अटैक हमारा इसके अंदर आता है डिनाइल ऑफ सर्विस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, इस अटैक के अंदर क्या होगा, डिनाइल ऑफ सर्विस यानी जो भी हम सर्विस यूज कर रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर, हमारी मशीन्स के अंदर, वो सर्विस या मशीन जो है उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए डिनाई करेगी, यानी ये ऐसा अटैक होगा उस अटैक के बाद हम उस सर्विस का यूज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इसी का टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड यानी मल्टीपल मशीन्स जो है वो सभी जो है एक साथ सर्विस करने से या फिर आपको होस्ट करने से डिनाई कर देगी, यानी उन मल्टीपल सर्विसेज को हम यूज नहीं कर सकते जो कि मल्टीपल सिस्टम्स पर रहेगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर रहेगी। सेकेंड अटैक इसके अंदर आता है हमारा मैन इन द मिडल अटैक। जैसा कि नेम से पता चल रहा है मैन इन द मिडल, मैन इन द मिडल का मतलब कोई भी एक मैन है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट के बीच में है, वो क्या करता है कोई भी डेटा को थेफ्ट करके, कोई भी इंफॉर्मेशन का यूज करके उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को, उस ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन को हार्म कर सकता है या फिर उसको मॉडिफाई करके क्लाइंट की तरफ सेंड कर सकता है, जिससे क्या होगा, एक क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी जो ऑर्गेनाइजेशन और क्लाइंट के बीच में रहनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी और मैन इन द मिडल अटैक की हेल्प से जो है डेटा मॉडिफाई हो सकता है। थर्ड आता है इसके अंदर हमारा फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में क्या होगा, जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास जीमेल के अंदर या फिर कोई भी हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर मल्टीपल पॉपअप्स आते हैं और मेल के अंदर हमारे पास स्पैम फोल्डर होता है जिसके अंदर अननोन मेल होते हैं, फेक मैसेजेस, तो अगर वो फेक मैसेजेस लगते हैं तो वो स्पैम फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, तो इन स्पैम फोल्डर्स के अंदर क्या होता है, मल्टीपल लिंक्स जनरेट करते हैं, उन लिंक्स को जो है हमें क्लिक नहीं करना होता, अगर हम उन लिंक्स को क्लिक करते हैं तो हमारा डेटा थेफ्ट हो सकता है, डेटा चोरी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा ड्राइव बाय अटैक। ड्राइव बाय अटैक के अंदर क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर अपने सिस्टम को ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करना है मतलब यूज कर रहा है, ड्यूरिंग द सिस्टम रनिंग अगर कोई अटैक होता है उसे हम बोलते हैं ड्राइव बाय अटैक। नेक्स्ट आता है हमारा SQL इंजेक्शन अटैक। SQL बेसिकली एक डेटाबेस है और डेटाबेस से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन थेफ्ट करनी है तो उसके लिए अटैकर्स यूज करते हैं SQL इंजेक्शन अटैक। नेक्स्ट आता है हमारा पासवर्ड अटैक। नेम से ही पता चल रहा है इसके अंदर क्या होगा, हमारे पासवर्ड को स्टील करने की कोशिश होंगी, पासवर्ड को स्टील करने की प्रोसेसेस होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, जिसे हम XSS के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, जो भी हम साइट यूज कर रहे होते हैं ओवर द ब्राउजर्स, ओवर द एप्लीकेशन, उन साइट के अंदर जो है कुछ पॉपअप्स होते हैं, कुछ कुकीज होती हैं, जो क्या करती है हमारी साइट पे से जो है डेटा को स्टील करती है, यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के अंदर हमारा डेटा साइट के थ्रू स्टील होगा। नेक्स्ट आता है मैलवेयर अटैक। मैलवेयर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जिसे हम बोलते हैं मेलिशियस प्रोग्राम, इसीलिए इसका नाम होता है मैलवेयर। मैल मींस मेलिशियस, वेयर मींस सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रोग्राम के फॉर्म में हो, तो मेलिशियस प्रोग्राम जो है हमारे सिस्टम पे अटैक करता है, जो कि जैसे अगर हमारे सिस्टम के अंदर वो अटैक, वो मैलवेयर आ जाता है, उससे क्या होता है फिर वो मैलवेयर प्रोग्राम जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता जाता है और सिस्टम को हार्म करता जाता है। लास्ट और फाइनल सैंपल अटैक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है TCP सिंक्रोनाइजेशन। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी ओवर द नेटवर्क जो हम हमारा डेटा ट्रांसफर करते हैं उसको सिंक्रोनाइज करते वक्त, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि हम डेटा को यहाँ से इनपुट की फॉर्म में सेंड कर रहे हैं और एज अ आउटपुट वो क्या हो रहा है, रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है, उस सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस के बीच में ओवर द नेटवर्क अगर हमारा डेटा थेफ्ट होता है या मॉडिफाई होता है वो आता है हमारा TCP सिंक्रोनाइजेशन अटैक के अंदर।
सो आज हमने क्या किया, बेसिक सैंपल अटैक्स का डिस्क्रिप्शन किया। ये कुछ नंबर ऑफ सैंपल अटैक्स है जो कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं।